टुडे विल स्टार्ट विथ 4-bit पैरेलल एडर एंड सबट्रैक्टर। पिछली क्लास में आपने जब 4-bit पैरेलल एडर पढ़ा था तो इसमें हम दो 4-bit के नंबर को ऐड कर रहे थे। अभी हम इसी सर्किट को यूज करेंगे एंड वी कैन यूज द सेम सर्किट फॉर सब्ट्रैक्शन। आपको पता है जब भी हमें सब्ट्रैक्शन करना है आपने 2's कॉम्प्लीमेंट नोटेशन पढ़े थे। सब्ट्रैक्शन प्रोसेस में हम हमेशा जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के ऐड करते हैं। सो व्हाट लिटिल कॉम्पोनेंट वी नीड टू ऐड टू सो दैट सेम सर्किट विल वर्क एज एडर एज वेल एज सब्ट्रैक्टर। वी विल टेकिंग अ कंट्रोल सिग्नल के एंड के विल हैव द टू वैल्यू इधर 0 और 1। So when k is 1, it will work as an adder, and when k is 0, it will work as adder, and when k is 1, it will act as a subtractor. Circuit को ध्यान से देखिए, हमने 4-bit का जब parallel adder लिया था, तो हमने केवल 4 full adder लिए थे, and we are directly loading the values of both the numbers in the full adder. आपने number कैसे लिए थे? Suppose one number is x, so x will have the 4-bit, इनको हमने numbering कर दी, x0, x1, x2, x3. Another number y is y0, y1, y2, y3. Loading में कोई फर्क नहीं आएगा, जो सबसे least significant का adder होगा, full adder होगा, उसमें x0, y0 आपने load किया. Next stage में x1, y1, next stage x2, y2, और जो fourth full adder है, उसमें आपने x3, y3 add किया. Full adder जो है, इसमें अब आपको क्या करना है, जो least significant bit है, उसके साथ हमने क्या in कराया था, c in. So what is c in? It is carry in. हम अच्छे से जानते हैं कि फर्स्ट स्टेज में कैरी इन नहीं होता, कैरी इन मतलब सी इन की वैल्यू 0 होगी. ओके, विल यूज द सेम सी इन वैल्यू इधर 0, व्हेन इट विल बी 0, इट विल ऐड एज 4-bit पैरेलल एडर, एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ सी विल बी 1, इट विल ऐड एज 4-bit पैरेलल सबट्रैक्टर. सो टू वर्क विद दिस एडर वी नीड टू हैव एडिशनल नॉलेज ऑफ XOR गेट, राइट? How your XOR gate will work? So, we'll draw the truth table of XOR gate. XOR gate will have two input. One is X, another is Y. Or we'll take as A and B. क्योंकि X और Y हमने number लिए हैं, तो हम XOR को. And it will produce output. The output is, the value of output will depend कि A में क्या है, B में क्या है. ये भी आप पढ़ चुके हैं, when both the input are identical, output क्या मिलता है? 0. और जब input dissimilar है, तो output मिलता है 1. Right? So, we'll use the same thing. आप देख रहे हैं, यदि एक bit 0 है, तो इसके साथ दूसरी bit जो भी है ना, B is 0, तो आपको 0 मिल रहा है. With A 0, B 1, तो आपको 1 मिल रहा है. So, upper two rows will use for addition. Now, check, when A is 1, B is 0, तो आपका b कॉम्प्लीमेंट हो गया, 0 से 1 हो रहा है. और व्हेन a इज 1 एंड b इज 1, अगेन फॉर 1 1, a 1 1, द वैल्यूज इज b विल सिंपली कॉम्प्लीमेंटिंग 0 टू 1 एंड 1 टू 0. सो यूज द सेम ट्रुथ टेबल टू इंप्लीमेंट एडिंग एडिशन एज वेल सबट्रैक्शन, राइट? व्हाट विल डू, जब आपने एडिशन करना है तो k इज, व्हाट इज k इज 0, राइट? हमें x0 X1, X2, X3 में कोई चेंज नहीं करना. आपको क्या करना है? Either X plus Y addition. So, जब आप X plus Y कर रहे हैं, we do not want to change the value of Y. हमें 2S complement notation की जरूरत नहीं है. तो हमारा Y number की loading किससे हो रही है? XOR gate से. Check, there are 4 XOR gate additionally added. Right? अब हमने जो number Y है, Y की bit को हम load कर रहे हैं किससे? XOR gate से. तो XOR gate का दूसरा input कहां से आ रहा? K से. तो लेट अज्यूम y0 आपका y0, इसका यदि हम XOR कर दें 0 के साथ, है ना? दिस इज 0, y0 मे हैव एनी वैल्यू 0 और 1, राइट? तो आपका व्हेन b इज 0, तो आपका आउटपुट y0 विल रिमेन द सेम, राइट? सेम y1, y2, y3, बिकॉज वन इनपुट इज 0. So, when one input is 0, it will not change the value of other bit. It will appear to the output as it is, right? So, in case of addition, we are not complementing y0 and we are simply doing the addition. I think you must have, you must understand it. Now, when we are working the, and cn is also 0, because when we are doing addition, k is 0. So, cn kya aaya? 0. So, this is how 4-bit addition will be done.
Now, what we want, same circuit should work as a subtractor when k is 1, right? अब आप देखिए k को हम कहां से इनपुट करा रहे हैं, फर्स्ट फुल एडर से इनपुट करा रहे हैं। नंबर की बिट x0 आनी चाहिए, y0 आनी चाहिए, बट y0 को हम क्या करेंगे, when we want to do the subtraction, like when k is 1, what we want x0 plus y0 bar plus 1. So simply when we want to convert y को आप 1 is complement निकाल दो और least significant bit पे plus 1 कर दो. So this is nothing but x minus y is x plus y bar plus 1. 2 is complement notation में हम arithmetic कर रहे हैं और that is subtraction actually आप कर रहे हैं. अब इस केस में आप देखिए आपका number y0 जब load हो रहा है and with y0 another input of xor is 1, right? यदि XOR का एक इनपुट 1 है और अनदर बिट लेट अज्यूम दिस इज y0 एंड y0 इज 0, 0 और 1 का XOR क्या प्रोड्यूस कर रहा है 1, दैट इज नथिंग बट इट इज y0 बार, राइट? एंड इफ y0 इज 1, दिस इज फॉर 0, 0 के लिए y0 बार हो रहा है एंड व्हेन y0 इज 1 अनदर इनपुट इज 1 द आउटपुट इज 0. सो अगेन वेदर y0 इज 0, y0 0 हो रहा है तो ट्रांसफॉर्म होके 1 आ रहा है, y0 1 है तो ट्रांसफॉर्म होके 0 आ रहा है. तो यदि XOR गेट का एक इनपुट हम 1 कर देते हैं तो y0 का कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू हो रही है, दैट इज नथिंग बट y0 बार. सो इफ ऑल द x 4 XOR गेट विल सिंपली कॉम्प्लीमेंट नंबर y, y का आपका y0 बार, y1 बार, y2 बार, y3 बार, ओके. सो दिस इज 1 इज कॉम्प्लीमेंट. नाउ हाउ टू कन्वर्ट y टू 2 इज कॉम्प्लीमेंट, तो आपने फर्स्ट फुल एडर को k signal kya hai, now k is 1 when your circuit is working as a subtractor, so your first full adder will get 1. So this is how you are converting number y to 2 is complement of y, and this is how your same circuit by adding only 4 XOR gate and 1 k control signal, when the value of k is 0, this circuit will work as a 4 bit parallel adder, and the value of k is 1, the same circuit will work as 4 bit parallel subtractor.